গৃহযুদ্ধে জর্জরিত সিবিআই দুই শীর্ষকর্তা নজিরবিহীন দ্বন্দ্বে তোলপাড় গোটা দেশ। এই অবস্থায় কর্মী এবং অফিসারদের মনোবল চাঙ্গা করতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভরসা কি আর্ট অফ লিভিং খ্যাত শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর সিবিআই এর এক মুখপাত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, শনিবার দিল্লিতে সিবিআই দপ্তরে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে থাকবেন শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের সংস্থার বেশ কয়েকজন প্রশিক্ষক। তিন দিনের কর্মশালায় অংশ নেবেন সিবিআই এর প্রায় 150 জন কর্মী এবং আধিকারিক। এটাকে নীতিগত সিদ্ধান্ত উত্তরে মুখে কুলুপ এজেন্সির। पिछले डेढ़ साल से अपने टॉप टू अधिकारियों की लड़ाई में तनाव का शिकार होकर अपना आत्मविश्वास खो चुकी सीबीआई अब आध्यात्मिक बाबाओं की शरण में पहुंची है। सीबीआई के इतिहास में यह पहला मौका है जब सीबीआई में इस तरह का प्रोग्राम आयोजित कराया जा रहा है। सीबीआई में श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा तालमेल बढ़ाने और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कराने के लिए तीन दिन का वर्कशॉप शुरू हो चुका है। इस कार्यक्रम में सीबीआई के एक्टिंग डायरेक्टर समेत 150 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें योगा के अलावा लेक्चर आदि भी दिए जाएंगे। साथ ही तनाव घटाने के विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अपने टॉप टू अधिकारियों की इस लड़ाई में गुटबाजी के चलते सीबीआई के निचले स्तर के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर चार्जशीट भी हुई और कुछ निचले अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ा, जिसके चलते सीबीआई में तनाव बढ़ता गया। हालांकि श्री रविशंकर इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि ये प्रोग्राम सीबीआई के अंदर का तनाव किस हद तक घटा पाता है। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।